अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मोहम्मद अरसलान। व्यूअर्स, आज हम जिस प्रिसन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिसन 41। तो आज हम आपको प्रिसन 41 की एक मुकम्मल डिटेल देंगे, जिसमें हम इसके डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, इसका करंट स्टेटस डिस्कस करेंगे, इसका डेवलपमेंट स्टेटस डिस्कस करेंगे, और क्या हमें प्रिसन 41 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रिसन 41 की एक मुकम्मल डिटेल के लिए देने के लिए हमें ज्वाइन किया है राणा बिलाल साहब ने, जो कि हमारे सीनियर कंसल्टेंट भी हैं। तो जी बिलाल भाई, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सलाम भाई, आप सुनाए कैसे हैं? जी खैर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी बिलाल भाई, हमारे व्यूवर्स को प्रिसन 41 के बारे में मुकम्मल ब्रीफ करें। अच्छा, सबसे पहले अरसलान भाई, आपने प्रिसन 41 में ये पूछा है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या जी जी, तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पर जो है हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। जी जी, अगर हम उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहें, तो दोनों लिहाज से वो बेस्ट प्रीसेंट है। जी जी, इस टाइम हम 500 स्क्वायर यार्ड के ओवरऑल प्रीसेंट को देखते हैं तो वहाँ पर जो रेट है 1 करोड़ प्लस में हमें, जी जी बिल्कुल, किसी भी प्रीसेंट में, प्रीसेंट 33 में देख लेते हैं या प्रीसेंट 20 में देख लेते हैं, तो वहाँ पर जो है हमें 1 करोड़ प्लस में ही ओवरऑल जो है रेट मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। और प्रिसन 41 जो है वहाँ पर अभी जो है हमें तकरीबन कोई 80 लाख से लेकर कोई 85 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। जी बिल्कुल। अगर हम 3 माह पीछे चले जाते हैं, 2 से 3 माह पहले, तो वहाँ पर तकरीबन कोई 60 लाख से लेकर कोई 65 लाख की ब्रैकेट चल रही थी रेट्स की। जी, तो ये इन 2 से 3 माह में जो रेट इंक्रीज़ हुए हैं वहाँ पर, उसकी कुछ वजूहत है। जैसे कि पहले 4 से 5 माह पहले मैं बात करूं तो वहां पर डेवलपमेंट स्टेटस बिल्कुल जीरो था, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। जी जी। तो वहां पर हमें जो है जो बुकिंग प्राइस थी उससे भी माइनस में 5-5, 10-10 लाख रुपए माइनस में फाइलें मिल रही। जी जी, ऐसा ही है। तो इस टाइम जो है प्रिसन 41 में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। हम ऑन द स्पॉट जाकर चेक करते हैं, देखते हैं। मैंने पिछले दिनों विजिट किया था, तब जो है वहाँ पर डेवलपमेंट 100% जो है स्टार्ट थी। मशीनरी वगैरह जो है बहरिया ने वहाँ पर अपनी ओवरऑल जो है वो रिकमेंड कर दी थी। वहाँ पर जो है ओवरऑल जितनी भी डेवलपमेंट के काम थे, सीवरेज का, रोड्स का, और प्लॉट की कटिंग का, और प्लॉट की लेवल का, वो सारे काम ओवरऑल हो रहे थे। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही। तो इस टाइम मैं कहता हूँ कि प्रिसन 41 जो है वो बेस्ट लोकेशन पर प्रिसेंट है। एक तो मेन जना एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर है और उसकी सराउंडिंग में जो चीज़ें आ रही है, प्रिसेंट 33 है बिल्कुल उसकी बैक साइड पर आ रहा है, और 40 है, 40 के बाद जो है वो 35 के जो विलाज है, स्पोर्ट्स सिटी के विलाज जिन्हें हम कहते हैं वो है, और रफ़ी क्रिकेट जो स्टेडियम है बहरिया की एक शान भी है। जी जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमें सुनने में आ रहा है कि बनने जा रहा है, और वो भी मे बी वो विद इन 2 ईयर्स या 1 ईयर का टाइम पीरियड था, जिसमें से 1 ईयर तो कंप्लीट हो गया है। तकरीबन कोई 1 ईयर में वो कंप्लीट करके वहाँ पर सीट्स वगैरह जो है स्टेडियम की आ गई हैं। वो तकरीबन कोई और 6 माह या 1 साल का हम टाइम पीरियड कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। जी ठीक। जब भी हम ओवरऑल कहीं भी किसी भी जगह, जैसे कराची में स्टेडियम है, उसके ओवरऑल सराउंडिंग में जितने भी हम एरियाज चेक करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर जो रेट है वो बहुत ही हाई है। तो स्टेडियम यहाँ पर एक भी मैच हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि जो इस टाइम ओवरऑल, मैं प्रिसन 41 की बात नहीं करूँगा, जितने भी ओवरऑल प्रिसेंट है वहाँ पर एक भी मैच होने के बाद वहाँ पर जो आज रेट है वो कल नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। और दूसरी सबसे वजह ये है कि प्रिसन 41 को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि उसकी लोकेशन भी बेस्ट है और हाइटेड लोकेशन है। जी जी। और दूसरा जनाया एवेन्यू पर है, और तीसरा अभी जो है 500 के लिहाज से हम देखते हैं तो सबसे सस्ता प्रिसन जो है प्रिसन 41 ही है। तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा रेट कम है कि डेवलपमेंट जो है अभी स्टार्ट हुई है उसकी। जी जी। और दूसरा मेन गेट से उसका डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो वो तकरीबन कोई 15 से 16 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस है मेन गेट से। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रिसन 41 और 33 और 38 में मैं अभी पिछले दिनों मैंने प्लॉट सेल किया था 1000 का, 1000 स्क्वायर यार्ड का। जी जी। तो वहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख का मैंने सेल किया था। इस टाइम वहाँ पर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, तो इस टाइम वहाँ पर जो रेट है, कम से कम भी अगर हमें प्लॉट मिलता है तो 1 करोड़ 30 लाख की ब्रैकेट में हमें प्लॉट मिलता है, और 1-30 से ऊपर प्लस में ही वहाँ पर हमें प्लॉट मिल रहे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा अपने सब क्लाइंट्स को
कि वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और 500 स्क्वायर यार्ड के लिहाज से वो प्रीसेंट भी बेस्ट है, लोकेशन भी अच्छी है, तो हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए। अच्छा बिलाल भाई, इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, हमारे व्यूवर्स को वो सेफ़ और अनसेफ प्लॉट के बारे में भी थोड़ा सा ना ब्रीफ करें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना बहरिया ने जो फाइलें हैं ना वो पहले हम निकलवाते थे स्टेटमेंट, तो उस पर आउट आता था मतलब डिस्ट्रीब्यूटर लाइन के प्लॉट। जी जी। तो अब जो बहरिया ने जिन लोगों के प्लॉट फाइलें जो है जिनकी सब अमाउंट पेड है उनको सेव करके वो मतलब वो प्रीसेंट 41 में उनका प्लॉट शो हो रहा है ऑन द स्पॉट। हम जाकर बहरिया से हेड ऑफिस से स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो सेफ प्लॉट लिख कर देते हैं। जी ठीक हो गया। हाँ, जो अनसेफ प्लॉट दे रहे हैं वो या कैंसिल फाइलें दे रहे हैं तो वो जिन लोगों ने अभी वो फाइल्स की जो अमाउंट है वो टोटली पेड नहीं की, वो उनको या तो उन्होंने अनब्लॉक कर दिया है या मतलब वो उनको डिस्ट्रीब्यूटेड अभी भी आउट कह रहे हैं। जी जी। तो जिन लोगों की फाइलें 100% अमाउंट क्लियर है तो उनको वो प्रीसेंट 41 में शिफ्ट कर रहे हैं। जी जी जी। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी व्यूवर्स, बिलाल भाई ने हमें एक बहुत अच्छा ब्रीफ किया प्रीसेंट 41 को लेके। तो प्रीसेंट 41 को लेके या ओवरऑल बहरिया टाउन कराची को लेके आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।